किचन की बात हो ही रही है, नानी माँ के नुस्खे ना बताऊं ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो चलिए, इंतज़ार किस बात का है, फटाफट नानी माँ के नुस्खे बता देती हूँ, हर हाउसवाइफ के काम आएंगे। कड़े नींबू को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देने के बाद फिर उसे काटने से नींबू से ज़्यादा रस निकलता है। एक महीने में एक बार मिक्सर में नमक डालकर चला देने से मिक्सर के ब्लेड तेज़ हो जाते हैं। नूडल्स उबालने के बाद अगर उसमें ठंडा पानी डाल दिया जाए तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं। रसोई घर ऐसा होना चाहिए जिसमें दिन में पर्याप्त मात्रा में रोशनी आती रहे। रसोई घर में दिन में भी अंधेरा होना वास्तु के हिसाब से सही नहीं है और ना तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर रसोई में कहीं कोई चिपचिपी चीज़ गिर जाए तो उसके ऊपर ब्लीच डाल दीजिए और फिर उसे ब्रश से साफ कर दीजिए। फर्श को चमकाने के लिए एक कप सिरका एक गर्म पानी डालकर फर्श को साफ करने से ये चमकने लगता है। आटा गूंथते वक्त पानी में थोड़ा सा दूध मिलाने से रोटी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। चीनी के डिब्बे में 5 या 7 लौंग डाल देने से चीनी में चीटियाँ नहीं लगती। एक चम्मच चीनी को ब्राउन होने तक गर्म कीजिए और फिर इसे केक के मिक्सचर में गर्म किए हुए चीनी को मिला दीजिए। इससे केक का रंग अच्छा हो जाएगा। कटे हुए सेब में नींबू की कुछ बूंदें डालने से सेब के ऊपर का भाग काला नहीं होगा। सारे बर्तन रात में ही साफ कर लीजिए। ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत सही है और आपकी सेहत के लिए भी ये आदत बहुत अच्छी है। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि सुबह सुबह उठकर बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही टेंशन होगी। आलू के पराठे बनाते वक्त आलू के मिक्सचर में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें, इससे पराठों का स्वाद बढ़ जाएगा। मिर्ची के डिब्बे में थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, इससे मिर्ची ज़्यादा वक्त तक चलेगी। लहसुन को हल्का सा गर्म करने के बाद लहसुन को छीलने से बहुत सुविधा होती है। चावल में एक चम्मच तेल और कुछ बूंदे नींबू के रस मिलाने पर पक जाने पर चावल खिला खिला रहता है। दाल बनाते वक्त एक चुटकी पिसी हुई हल्दी और बादाम का कुछ तेल का बूंदे डालने से दाल जल्दी पक जाती है और इसका स्वाद भी अच्छा लगता है। मिर्ची के डंठल को तोड़कर मिर्ची को फ्रिज में रखने से मिर्ची लंबे समय तक टिकती है। अगर आप रात में चना भिगोना भूल गई हैं तो उबलते हुए पानी में चने को भिगोए, इससे चना जल्दी फूल जाएगा। फिर किचन में काम करते वक्त आप जल जाएं तो स्थान पर बर्फ़ रगड़ें, आलू पीस कर लगाएं, घी या नारियल तेल लगाएं या केले को मैश कर लगाएं।